क्लास में हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स कर्व प्लेट देखा था उस टॉपिक में जो वाटर जेट है वो कर्व प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक करता था आज की क्लास में हमको पढ़ना है कि जो जेट है वो कर्व प्लेट के एक एंड पे टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट एट वन एंड टेंजेंशियली वैन प्लेट इज सिमेट्रिकल जब हमारा कर्व प्लेट क्या है सिमेट्रिकल है और जो वाटर जेट है वो कर्व प्लेट के एक एंड को टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है कंसीडर द जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट फिक्स प्लेट एट वन एंड टेंजेंशली यहाँ पे से नोजल से जेट का फ्लो होगा ये कर्व प्लेट के एक एंड पे टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है लेट द कर्व प्लेट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है देन दी एंगल मेड बाय बाई टेंजेंट एट टू एंड ऑफ प्लेट विल बी सेम तो टेंजेंट पे जो एंगल रहेगा इसका वो क्या रहेगा सेम रहेगा वी क्या है वेलोसिटी ऑफ जेट है यहाँ पे नोजल है नोजल से क्या निकल रहा है यहाँ पे से जेट निकल रहा है जो कर्व प्लेट के एक एंड को टेंजेंशली स्ट्राइक कर रहा है ठीटा क्या है एंगल मेड बाई जेड विथ एक्स एक्सिस ये जेड जो निकल रहा है वो एक्स एक्सिस से एंगल ठीटा बना रहा है दी प्लेट इज़ स्मूथ एंड लॉसेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट इज दी वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दी आउटलेट टिप ऑफ द कर्व प्लेट विल बी वी अगर यहाँ पे क्या वेलोसिटी वी है और ये कर्व प्लेट स्मूथ है इस, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है इम्पैक्ट ऑफ जेट के कारण तो जो वैल्युसिटी जो इनिशियल वैल्युसिटी है बिफोर स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग भी वैल्युसिटी क्या रहेगा वी रहेगा अब यहाँ पे हमको देखना है ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है एक कंपोनेंट होगा v साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट है v कॉस थीटा अब हमको क्या निकालना है फोर्स एफ एक्स निकालना है एफ एक्स क्या होगा फोर्स एक्जर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है वो निकालना है तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमको एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है वो भी देखना है एक्स इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स डायरेक्शन में तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ये क्या होता है हमारा मास पर सेकेंड वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग कौन से डायरेक्शन में होगा ये एक्स डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा मास पर सेकेंड ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के लिए वी वन एक्स बिफोर स्ट्राइकिंग के लिए हमने पॉइंट वन दिया है आफ्टर स्ट्राइकिंग के लिए पॉइंट टू दिया है ये हो जाएगा वी टू एक्स तो वी वन एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास वी वन एक्स का वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ जेट मतलब हमको एक्स डायरेक्शन में लेना है तो वी वन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वी कॉस्ट थीटा वी वन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी थीटा और वी टू एक्स इक्वल टू क्या होगा हमको इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स लेना है यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में है तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन में लेना है तो, हो तो, हो तो क्या हो जाएगा माइनस वी कॉस ठीटा तो वी टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी कॉस ठीटा तो एफ़ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ़ एक्स इक्वल टू मास पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं रो ए वी वी वन एक्स का वैल्यू है हमारे पास वी कॉस ठीटा माइनस माइनस वी टू एक्स का वैल्यू है वी कॉस ठीटा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रो ए वी वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा तो ये हो जाएगा टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो गया सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं तो ये होगा मास पर सेकेंड वी वन वाई माइनस वी टू वाई अब हम देखते हैं वी वन वाई कितना है हमारा वी वन वाई कितना है हमारा वी साइन थीटा है और वी टू भी कितना है ये भी हमारा क्या है वी साइन थीटा है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं मास पर सेकेंड हो जाएगा रो ए वी ये वी वन वाई हमारा वी साइन थीटा है और ये भी क्या है वी साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा एफ वाई कितना हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है टू रो ए वी स्क्वेयर कॉस्ट हीटर इम्पॉर्टेंट है और एफ़ वाई का वैल्यू कितना आ रहा है जीरो बहुत इजी है दोनों फोर्स का वैल्यू निकालना था हमने कर्व सरफेस के दोनों केस देख लिए जब वाटर जेट इसके सेंटर पर स्ट्राइक करेगा और अभी कौन सा केस देखे हमने जब वाटर जेट या जेट ऑफ वाटर कर्व प्लेट के एक एंड पे टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा ये कौन सा केस था जब हमारा कर्व प्लेट क्या था सिमेट्रिकल था किसके अबोर्ड सिमेट्रिकल लिए थे हमने इसको एक्स डा डारे, एक्स डायरेक्शन में इसको हमने क्या लिया था सिमेट्रिकल लिया था तो यहाँ तक एफ Fx एक्स और एफ एक्स वाई का वैल्यू हमने निकालना सीख लिया इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ओके थैंक यू